मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था? हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और अभी की मैं बात करूं तो मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में से एक पुष्पा का राइज कहें या पुष्पा पार्ट वन जो भी कहें, इसने तो तहलका मचा दिया भाई। इसने जो सेंसर बोर्ड अभी पास किया है, इसकी लेंथ ड्यूरेशन अगर इस मूवी की मैं बताऊं तो पूरे 3 घंटे की होने वाली है, 2 घंटे 59 मिनट और कुछ मिली सेकेंड्स हैं। बाकी मैं कहूँ तो 3 घंटे की मूवी है। और इससे भी बड़ी बात, जब भी सेंसर बोर्ड कभी भी फिल्म पास करती है तो उसमें से कोई अब्यूज सीन होती है या कुछ भी गंदी सीन अगर मिलती है, डर्टी एडल्ट सीन ज़्यादा हो या तो फिर अब्यूज सीन हो, तो उसे कट कर देती है। मगर आपको जानकर खुशी होगी, पुष्पा के मूवी मेकर्स ने इतनी बेहतरीन मूवी बनाई है कि कहीं पर एक सीन को कट नहीं किया गया है, ना कहीं पर किसी सेव वॉइस को बीप या तो कुछ भी नहीं किया गया। जैसी फिल्म बनी है वैसी ही हमें हमारे इस बिग स्क्रीन पर प्रेजेंट की जाएगी। इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? और ये खुशी होगी अल्लू अर्जुन की सर की, जो आप स्टारडम देख सकते हैं, 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग अभी तक हो चुकी है। अभी ऑल इंडिया पे अभी आज से चालू हुई है, बुक माई शो पे आप जाके बुक कर सकते हैं इस शो को एडवांस में। अभी इसकी एडवांस बुकिंग चालू हो गई, मगर आज के डेट में भी 5 करोड़ की कलेक्शन ये कर चुकी है, जबकि मूवी अभी एडवांस बुकिंग में। अभी तो इतनी अभी जो फिल्म रिलीज हो रही है वो एक दिन पे नहीं कर रही है, वो तो एडवांस बुकिंग पे चल रही है। आप समझिए कि इस फिल्म की क्रेज किस लेवल की होगी। इस हिसाब से तो मैंने पहले भी एक वीडियो पे बताया, जैसे आज ही मैंने अपलोड किया, कि इस हिसाब से इसकी जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो 60 से 65 करोड़ जाने वाली है। ये फिल्म सूर्यवंशी से भी ऊपर जाने वाली है, मतलब फिल्म ब्लॉकबस्टर अभी से है। ये तो नॉर्मली हमें पता चल गया कि ये फिल्म नेक्स्ट लेवल पे जा रही है दोस्त। तो ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहे मेरे चैनल पर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बने रहे मेरे चैनल पर। बाय बाय मेरे दोस्तों।